अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस कोर्स. आज हम बात करेंगे कि कंटेंट, जिसके बारे में हम अब काफ़ी सीख चुके हैं, लेकिन हमने उसकी अभी बहुत सारी क्रिएटिव एस्पेक्ट सीखी. हमने उसका टेक्निकल एस्पेक्ट अभी तक नहीं सीखा. हमने अभी ये नहीं देखा कि हमारे पास इंस्टाग्राम पे ऐसे कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिनसे हम कॉन्टेंट डाल सकते हैं. मैंने उनको टच किया है, डिस्कस किया है आपके साथ, लेकिन उनकी डायरेक्ट बात नहीं की. तो आए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं, ऐसे कौन कौन से मीडियम्स हैं जिनके थ्रू आप कंटेंट अपलोड कर सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं. सबसे पहले आपको यहाँ पर जहाँ हमारी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, यहाँ जहाँ हमारे ब्रांड का लोगो लगा हुआ होता है, वो आप वहाँ पे आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करें तो एक कैमरा खुल जाता है. इस कैमरे से आप स्टोरीज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है. ये एक मीडियम है जिसमें आप जब ये सर्कल दबाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं जब इस सर्कल को प्रेस करती हूँ जो यहाँ है, तो वो पिक्चर खींच लेता है. अगर आप इसी को दबा के रखें तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती है. ये वीडियो रिकॉर्डिंग, एक वीडियो रिकॉर्डिंग 15 सेकंड्स की होती है और ये सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, ठीक है. आप बहुत सारी 15 सेकंड्स की वीडियोज़ इसके अंदर एक दिन में डाली जा सकते हैं. 24 आवर्स के बाद, मतलब कोई भी सेगमेंट, कोई भी पिक्चर या वीडियो आपने जो बनाई है वो अपलोड करने के 24 आवर्स के बाद वो डिलीट हो जाती है, ठीक है. अगर यानी आपने अगर एक सुबह 6 बजे डाली है, फिर एक दोपहर 12 बजे डाली है, तो अगली सुबह 6 बजे वो वाली डिलीट हो जाएगी, खुद ही गायब हो जाएगी, और अगले 12 बजे दूसरी वाली वीडियो या पिक्चर गायब हो जाएगी. स्टोरीज में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जैसे यहाँ पे क्रिएट है. क्रिएट में आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, किसी को कोई हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं, जिफ्स एड कर सकते हैं. यहाँ आप कोई भी जिफ सर्च कर लें, जैसे हैप्पी, ठीक है, और वो आपको ढूंढ देगा और वो आप इसके अंदर अपनी स्टोरी में इस तरह डाल सकते हैं. फिर व्हाट एम आई वॉचिंग, कोट ऑफ द डे, आपने यहाँ पे टॉप 5 पिक्स अपनी डाली हैं, बहुत सारी ऑप्शंस आपको देता है. फिर आपकी मेमोरीज होती हैं, जो उस दिन की मेमोरीज होती हैं, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले, वो आप डाल सकते हैं. फिर एक पोल का ऑप्शन है जो बहुत अच्छा है, जो ब्रांड्स यूज कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरैक्ट और एंगेज करने के लिए. कोई सवाल पूछें और उनसे सर्वे ले लें, कि जिस तरह अगर आपके कपड़ों का है बिजनेस, तो आप पूछ सकते हैं कि डू यू लाइक आवर जैकेट्स इन पिंक कलर और ब्राउन कलर, और फिर आप लोगों से वो पोल लें और उससे आप अपने लोग, अपनी ऑडियंस को और अपने बायर्स को ज़्यादा बेहतर समझ कर सकते हैं, ठीक है. तो पोल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, ठीक है. फिर है आपका आस्क मी अ क्वेश्चन, आप लोगों से किसी और चीज़ के बारे में फीडबैक लेना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या आप इनकरेज करना चाहते हैं कि लोग आपसे आपके बारे में सवाल पूछें, कोई फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वो आपसे पूछना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आपसे पूछ लें और आप उनका जवाब दे दें. फिर आपका ये काउंटडाउन होता है, सो फॉर एग्जांपल आपने कोई नई चीज़ लॉन्च करनी है, तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है. जब भी आप कोई नई चीज़ लॉन्च करने लगें, तो आपको ये काउंटडाउन वाला ऑप्शन इसके अंदर यूज़ करना चाहिए, ताकि लोग एक्साइटेड हो जाएं और एक प्री हाइप आप क्रिएट कर लें, ठीक है. तो ये ऑप्शंस आपको ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए. जब आप एक ब्रांड हो और एक बिजनेस हो, तो आपको स्टोरीज में ये वाले ऑप्शंस, स्पेशली आपका जो पोल है, स्पेशली जो स्टिकर, क्वेश्चन स्टिकर है, और तीसरी चीज़ स्पेशली जो आपकी काउंटडाउन, वो आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए. फिर आपके आ जाता है बूमरैंग. बूमरैंग जो है वो शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं, जो कि अ फ्यू सेकंड्स की होती हैं और वो लूप में चलती हैं, ठीक है. तो आप क्रिएटिव कंटेंट में वो इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे अगर मैं अभी एक बूमरैंग बनाऊं, तो वो कुछ ऐसा होगा, तो अब वो लूप में वीडियो चल रही है, ठीक है. सो ये एक फन वे है स्टोरीज में कंटेंट बनाने का. फिर आपकी स्टोरीज में आता है लेआउट, जिसमें आप बहुत सारी पिक्चर्स इकट्ठी डाल सकते हैं. ये कोलाज की तरह होता है. जैसे कि अभी तक हमने हर चीज़ डिस्कस की है, आप लोग सोचते होंगे कि अच्छा, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्या एक ब्रांड और बिजनेस को इसमें यूज़ कौन सी करनी चाहिए. देखें, बात ये है कि एक ब्रांड के लिए अच्छा होता है कि अगर वो हर तरह की चीज़ को इस्तेमाल करें. जितनी वो क्रिएटिविटी डालेंगे, जितनी वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें उसके अंदर डालेंगे, उतना ही अच्छा होगा,
ठीक है, हमने जब कंटेंट की भी बात की थी तो हमने कहा था वेरिड मिक्स, कि आप यूजीसी भी यूज़ करें, प्रमोशनल और नॉन प्रमोशनल तीनों यूज़ करें। फिर जब हमने ग्राफिक्स की बात की, फोटोग्राफी की बात की, वीडियोस की बात की, हमने कहा सब यूज़ करें। इसी तरह स्टोरीज में आपको जितने ऑप्शंस मिलते हैं, आपको चाहिए कि आप सबको मिक्स करके सबको यूज़ करें। जितना आप एक्टिव होंगे, जितना आप क्रिएटिव होंगे और जितने आप मज़े के स्टाइल्स ढूंढेंगे इन सारे फीचर्स को इस्तेमाल करने का, उतना ही आपका अच्छा कंटेंट होगा, उतना ही लोग आपके साथ इंगेज करेंगे। तो ये आपकी हो गई स्टोरीज। अच्छा, उसके बाद इसी में स्टोरीज के साथ एक ऑप्शन होती है लाइव की। लाइव में ये होता है कि जब आप लाइव को क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने लाइव चले जाते हैं, यानी आप जो बोलेंगे रन टाइम पे वो उनको नजर आएगा, तो आप उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड को चाहिए कि वो लाइव जाया करें, और किसी और को भी आप लाइव पे बुला सकते हैं, किसी को इंटरव्यू पे बुला सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको करनी चाहिए। हर महीने में 2 या 3 दफा एक लाइव सेशन रख लिया, जिसमें आपने किसी एक्सपर्ट को बुला लिया किसी चीज के बारे में बात करने के लिए, या खुद आके कोई बात कर ली, तो ये आपका लाइव फीचर है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर ये सेंटर में प्लस का साइन है, इसके थ्रू आप पिक्चर्स या फिर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये एक पिक्चर है, इसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है, यानी आप एक से ज़्यादा 3, 4, 5, 6, 10 पिक्चर्स तक अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक एल्बम की तरह बन जाता है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप सिर्फ एक पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। जो ये बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, इसको कैरोसेल पोस्ट कहते हैं। इसी तरह इसी जगह से आप वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 1 मिनट या 1 मिनट के अंदर जो वीडियोस हैं वो आप यहाँ से अपलोड करके उन्हें अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर डाल सकते हैं। तीसरा जो आपका है फॉर्मेट, वो ये है, यहाँ पर ये जो टैब बना हुआ है जिसको आप कहते हैं IGTV, ठीक है। यहाँ पर लंबी वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि 1 मिनट से ज़्यादा की होती हैं। तो अगर आप 1 मिनट से कम की वीडियोस डाल रहे हैं तो वो आप इधर से डालेंगे, और अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा लंबी की वीडियोस डाल रहे हैं तो वो आप यहाँ से डालेंगे। अगर आप कोई ऐसी वीडियो डालना चाह रहे हैं जो आपके किसी नए प्रोडक्ट की विजुअल्स हैं, उसकी प्री हाइप वीडियो है, उसकी कोई फर्स्ट लुक है, तो वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो आप 1 मिनट के अंदर करें, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस होती हैं। लेकिन अगर आप कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कि कोई बहुत एक्सप्लेनेशन है या कोई डिटेल है या कोई आप टिप्स आके दे रहे हैं, तो वो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस जो हैं वो आपके IGTV चैनल पर जाएंगी। फिर यहाँ जहाँ आपके हाइलाइट्स में न्यू का ऑप्शन है, तो आप जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो आप हाइलाइट्स बना सकते हैं। हाइलाइट्स आपकी पुरानी स्टोरीज ही होती हैं जो इंस्टाग्राम के अंदर सेव हो जाती हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल कोई नई हाइलाइट्स बनानी है, जैसे हम बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे बना सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो जहाँ पर लोगों ने क्वेश्चंस, आपने जब क्वेश्चन स्टिकर डाला था और लोगों ने आपसे सवाल पूछे थे, राइट, और आपने जवाब दिए थे, तो वही वाली स्टोरीज आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपनी हाइलाइट्स बना सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, और वो उधर ऐड हो जाएगी। तो ये आपके सारे डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप अपने पेज के ऊपर अपना कंटेंट डाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। आपको इन सारे फॉर्मेट्स को, यानी आपको पोस्ट, स्टोरीज, IGTV और हाइलाइट्स सब यूज करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, हमेशा वेरिड मिक्स क्रिएटिविटी के साथ सबसे बेहतर काम करता है। सिर्फ आपको ये डिसाइड करना होगा, जो हम बाद में कंटेंट स्ट्रेटजी में देखेंगे, कि आप 1 महीने में 2 IGTV वीडियोस कर रहे हैं और 5 शायद 1 मिनट वीडियोस कर रहे हैं, और हर हफ्ते में या हर रोज आप 2 फोटो पोस्ट यानी स्टैटिक पोस्ट डाल रहे हैं और स्टोरी आपकी रोज आ रही। सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है जो हम कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी वाले टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी बनाना सीखेंगे और इसको इसी की डिटेल में जाएंगे और इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कौन सा टूल इंस्टाग्राम का किस तरह के कंटेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और उससे क्या फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।